दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जी न्यूज की जानी मानी न्यूज एंकर नैना यादव की बायोग्राफी जानेंगे। जानेंगे उनके यहाँ तक का सफर, साथ ही जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अननोन फैक्ट्स। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बायोग्राफी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी टाइप की सच्ची, मोटिवेटिंग और कुछ अनसुनी कहानी अपलोड करता हूँ। सो लेट्स बिगिन। नैना का जन्म 26 जून भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया में हुआ था। उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से की। नैना का जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था। उनकी माता जी का नाम कांता यादव है और साथ ही उनके तीन भाई भी हैं, जिनके नाम हिमांशु यादव, सौरभ यादव एंड हर्ष यादव है। आइए अब जानते हैं उनके जर्नलिज्म का सफर। 2007 में नैना ने अपने कैरियर की स्टार्ट न्यूज चैनल बीटीवी न्यूज से की एज ए एंकर एंड रिपोर्टर। उसके बाद वर्ष 2010 में उन्होंने बंसल न्यूज को ज्वाइन किया। वहां 6 साल 4 महीने काम करने के बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और जून 2016 को न्यूज चैनल IBN7 एज ए न्यूज एंकर ज्वाइन किया। यहां पे इन्होंने 3 साल 11 महीने काम करने के बाद जुलाई 2017 को फेमस न्यूज चैनल जी न्यूज को ज्वाइन किया। 2 साल 10 महीने काम करने के बाद वो यहाँ से न्यूज चैनल न्यूज नेशन चली गई और वो अभी भी इसी में है। वहीं 2017 में नैना को मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं अब नैना की जिंदगी के कुछ अननोन फैक्ट्स। नैना के बाएं हाथ में एक टैटू है। नैना को घूमना, स्विमिंग करना, फोटोग्राफी और किताबें पढ़ने का खूब शौक है और वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोशिश एक बदलाव की डायरेक्टर भी है। वहीं नैना महादेव की भक्त भी है और वो कई बार उनके मंदिर पूजा करने भी जाती है। साथ ही नैना को जानवरों से भी बहुत प्यार है। तो दोस्तों, ये थी नैना यादव की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।